गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी कंचू। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फेस्टिवल्स की तैयारी तो आपने शुरू कर ही दी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो फेस्टिवल से रिलेटेड तो डाल ही दिया जाए। पिछले संडे में वीडियो नहीं डाल पाई थी बिकॉज कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, पर मैंने सोचा इस संडे को मिस नहीं करना है, तो आज का वीडियो होने वाला है रेजिन आर्ट से रिलेटेड। सो आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि रेजिन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बनाइए, तो बस मैंने बना दी है और वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियो पे लाइक बहुत कम करते हो यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने ले लिया है एक एमडीएफ बोर्ड और जैसो, क्योंकि एमडीएफ बोर्ड को सील करने के लिए हम इसमें जैसो का एक कोट अप्लाई करेंगे। तो बस आपको जैसो का एक कोट अप्लाई कर देना है एंड इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसे छोड़ दिया था एंड नेक्स्ट डे मैंने ये रेड कलर का एक्रेलिक कलर लिया है बिकॉज पूजा थाली मुझे रेड कलर की बनानी थी, तो मैंने इसमें रेड कलर का सारा पेंट कर दिया है। एंड देन बारी आती है रेजिन पिगमेंट इस पर ऐड करने की, तो बस मैंने ये वेट मशीन, रेजिन एंड मेजरिंग कप एंड एक स्टिक ले ली है और बस अब आपको रेजिन को 2:1 के रेशियो में डाइल्यूट करना है एंड इसे धीरे धीरे डाइल्यूट करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है बिकॉज आपको दिखाना था जल्दी से सारी प्रोसेस, इसीलिए बाकी आप अगर रेजिन मिक्स करते हैं तो स्लोली इसे मिक्स करना है। एंड अब ये रेड कलर का रेजिन का पिगमेंट जो है मैं उसे ऐड करूँगी और आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो रहता है वो तली पे बैठ जाता है, तो बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड देन इस तरह से एमडीएफ के ऊपर इसे पूरी तरह से फैला देना है। जो सिलिकॉन स्टिक है उसी के हेल्प से मैंने इसे पूरी तरह से फैला दिया है एंड अब इसे भी मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने ये कुछ एम्बेलिशमेंट्स लिए हैं जिसमें गणेशा है, लीफ है एंड कटोरी है, और ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है वाइट कलर का, ये भी मैंने रेजिन से ही बनाया था। तो बस इसको जल्दी से हम इसे एक्रेलिक मार्कर जो है, सॉरी जो रेजिन का मार्कर आता है, उससे हमें बस आउटलाइन थोड़ी सी गोल्डन दे देना है एंड बस इस सारी चीज़ों को हमें इसमें स्टिक कर देना है। आप किसी भी ग्लू से स्टिक कर सकते हैं, मैंने इसे जो ज्वेलरी में यूज़ होता है उस ग्लू से स्टिक किया है। एंड अब ये मैंने कुछ पर्ल ले लिए हैं, 1 by 1 इन पर्ल को आपको एक धागे में डालना है एंड जो आपकी कटोरी है हल्दी कुमकुम वाली उसके राउंड के अकॉर्डिंग आपको बीड्स इसमें इंसर्ट कर लेनी है। मैंने आई थिंक 11 बीड्स इंसर्ट की थी और उसी में ये मेरी कटोरी आ गई थी। अगर आप बड़ी कटोरी लेते हैं तो आपको ज़्यादा पर्ल्स लेने पड़ेंगे। बस इस तरह से आप उसे थोड़ा सा नाप लें और बस ऐसे तैयार कर लें दोनों कटोरियों के लिए, और अब इसमें भी ग्लू लगा के हम कटोरी को भी स्टिक कर देंगे, तो ये इसका जो लुक है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत इन्हेंस हो जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब लीफ को भी आपको इसी ग्लू से अच्छे से कटोरियों के नीचे चिपका देना है एंड ये हमारी सारी चीज़ें चिपक गई है। अब मैंने कुछ ये स्टिकर शीट आती है उससे एक स्टिकर काट लिया है। आप अपने पसंद का जो भी स्टिकर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। मैंने ये ओम वाला स्टिकर लगाया है क्योंकि मुझे पूजा थाली जो है थोड़ी खाली सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एक स्टिकर भी ऐड कर दिया जाए। एंड अब पूजा हो और स्वास्तिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने थाली में भी स्वास्तिक बनाने की सोची एंड ये स्वास्तिक वाला स्टिकर भी मेरे पास था तो मैंने उसे भी स्टिक कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे स्टिक कर सकते हैं। एंड देन अब फिर से हमें इसमें रेजिन पोर करना है क्योंकि जो भी चीज़ें हमने चिपकाई है वो कहीं निकल ना जाए, इसके लिए हमें एक पतली सी लेयर जो है वो इस पूजा थाली के ऊपर डालनी पड़ेगी। तो बस मैंने थोड़ा सा रेजिन इसमें नाप लिया है, मैंने अपने थाली के अकॉर्डिंग रेजिन ले लिया है। आप मेज़रमेंट करके इसे ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे से रेजिन आर्ट आता नहीं है, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे, इसलिए प्लीज़ आप मेरी बातों को तो सुनिए ही लेकिन आप और भी रिसर्च कर लीजिए एंड फिर आप किसी भी चीज़ को बनाइए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप वैसे ही बना लें, क्योंकि मैं भी अभी अपनी गलतियों से सीखते रहती हूँ, तो सीखने के लिए तो कोई उम्र होती नहीं है, बस आप बनाते जाओ सीखते जाओ, परफेक्शन आप में आता जाएगा। तो बस देखिए इस तरह से इसे फैला देंगे चारों तरफ। ध्यान ये रखें कि सारी चीज़ें आपकी रेजिन से कवर हो जानी चाहिए ताकि ये चीज़ें बाद में निकल के कहीं इधर उधर ना हो जाएं। बस देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है एंड एक पार्ट
इसमें जो लेस लगाई है मैंने वो पार्ट मुझसे मिस हो गया है। ग्लू गन की हेल्प से आप किसी भी तरह की ऐसी बॉर्डर पर्ल वाली लगा सकते हैं। मैंने गोल्डन पर्ल लगाए हैं, आप वाइट भी लगा सकते हैं। और ये हमारी पूजा थाली बनके रेडी है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूजा थाली कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और देखिए इस तरह से हमने इसमें एक कैंडल भी रख दी है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड DIY की तरफ। तो ये दो MDF बोर्ड मैंने ले लिए हैं और इस MDF बोर्ड की कहानी आपको मैं सुनाऊंगी तो आप हंस पड़ोगे। मैंने 100 रुपीस का MDF बोर्ड लिया, उसमें से एक पूजा थाली के लिए सर्कल कट करवाया, देन ऐसे शुभ लाभ के लिए मैंने 4 पीस कट करवाए एंड और 2 पीसेस मेरे उसमें से बच गए थे। तो 100 रुपीस में मुझे इतने सारे MDF मिल गए। तो आप भी ऐसी चालाकी दिखा सकते हो पैसे बचाने के लिए, क्योंकि अलग से अगर आप MDF लेते तो ओनली जो थाली का MDF है वो ही 100 रुपीस का आ जाता। तो ऐसे आपको पैसे बचाने हैं, ठीक है। एंड ये जो शुभ लाभ वाले हैंगिंग्स हम बनाएंगे, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है थाली वाले प्रोसेस की तरह, क्योंकि इसमें भी हमें जैसो का एक कोट अप्लाई करना है, उसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है, देन रेड कलर का जो हमने एक्रेलिक कलर किया था वही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करनी है। तो बस इतना इजी है यार, और रेड थीम वाली पूजा डेकोरेशन हो गई ये तो, क्योंकि रेड कलर ही पूजा में सबसे प्यारा लगता है। मुझे तो रेड पसंद है पर्सनली, आपको कौन सा कलर पसंद है कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो बस देखिए ये हमारे MDF रेडी हो गए हैं एंड वही सेम प्रोसेस रेजिन मिक्स करना एंड उसमें पिगमेंट डालना। और अब उसके बाद इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि रेजिन आपको पूरी तरह से इसमें फैला देना है। बस इस प्रोसेस में आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना। ये थी वो ख़ास चीज़, ये मैंने एक्रेलिक कटआउट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि शुभ लाभ मैंने सोचा था कि अगर मैं क्ले से लिखूँगी तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये कटआउट्स बनवा लिए थे शुभ लाभ वाले। ये किसी भी ग्राफिक्स वाली दुकान पे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, या फिर आप स्टेशनरी या रेजिन आर्ट मटेरियल की शॉप से भी इसे ख़रीद सकते हैं। मैंने इसे लोकल शॉप से बनवाया था तो ये मुझे अराउंड 80 रुपीज़ के पड़े थे, तो मुझे वही ठीक लगा क्योंकि ऑनलाइन में भी लगभग यही प्राइस आपको मिलता। तो बस इसे आपको इस तरह से पीछे एक टेप होता है उससे आपको इसको चिपका देना है, और जो ऊपर की शीट होती है वो हम इसके बाद रिमूव करेंगे। ये इस तरह से एक शीट होती है, इसे रिमूव करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। अब मैंने इसमें एक रेजिन आर्ट का थोड़ा सा नया ट्रिक यूज़ करने की सोची है। इस तरह से मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, पर मैंने सोचा इस बार मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से क्रिस्टल्स आते हैं, वो क्रिस्टल्स मैंने गोल्डन पिगमेंट एंड रेजिन के अंदर डाल दिया है, और अब मैं इसे शुभ लाभ की जो हैंगिंग है उसकी बॉर्डर पर इस तरह से चारों तरफ लगा दूँगी। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, तो इस तरह से आपको बस चारों तरफ लगाना है। ध्यान रहे कि जो आपने इसमें होल किए हैं उस होल को आपको पैक नहीं करना है, वरना अगर आप कोई भी हैंगिंग उसमें अटैच करते हैं तो वो धागा या डोरी जो भी आप डालेंगे तो वो अच्छे से उसमें फिट नहीं होगी। और ये देखिए, ये दो चीज़ मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो बस ये ही था जो आज का सीक्रेट था कि मैंने इसमें ऑनलाइन परचेस करके भी कुछ लगाया है एंड ये पर्ल्स के साथ मैंने इसे हैंगिंग्स बनाने की ट्राई की है। तो बस आपको पर्ल्स अपने हिसाब से लेंथ अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है, क्योंकि किसी को लंबी हैंगिंग्स पसंद होती है, किसी को थोड़ी शॉर्ट पसंद होती है। तो बस ये मोती एक एक करके पिरो के और ये गोल्डन कलर के थ्रेड से मैंने टेसल्स बना लिए हैं। और ये देखिए, दोनों साइड के लिए मैंने इसे रेडी कर लिया है एंड अब इसमें तो मैं थोड़ा छोटा टेसल बता रही हूँ आपको, इसी के अकॉर्डिंग आप बड़ा टेसल्स बना सकते हैं और जितना मोटा चाहे उतना टेसल बना सकते हैं।
ये देखिए, ये इस टेसल्स में मैंने मोती पिरो के आपको दिखाया है, तो इसी प्रोसेस से आप कितने भी लंबे टेसल्स एंड जैसे चाहे वैसे टेसल्स बना सकते हैं। और अब बस इसके जो तीन होल हैं, तो जो साइड वाले दो होल हैं उनमें मैं छोटी टेसल्स ऐड करूँगी, एंड जो बीच वाला होल है उसमें मैं जो लोटस का फ्लावर है उसे ऐड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको अगला DIY कौन सा देखना है, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे और आप लोगों के कॉमेंट से मुझे आइडियाज़ भी मिलते रहें। अब सारी हैंगिंग्स लगाने के बाद ये जो आइट साइड का पोर्शन था ये अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जो रेजिन था ना वो साइड में बह गया था, तो बस उसी को कवर करने के लिए रेजिन का जो एक मार्कर आता है वो मार्कर मैंने इसमें यूज़ किया है, एंड गोल्डन कलर से मैंने सारे साइड्स को कवर कर दिया है ताकि ये अच्छा दिखाई दे, इसका लुक एकदम गंदा दिखाई ना दे। और मुझे इससे बनाने में एक गलती हुई थी जो आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, एक पेपर के ऊपर मैंने इसे रख दिया था दोनों MDF बोर्ड्स को, एंड देन इसके बाद मैंने रेजिन पोर किया था, तो जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मैंने देखा कि ये पेपर के ऊपर सारा MDF बोर्ड चिपक गया था, और फिर इसे मैंने इतनी मशक्क़त के बाद निकाला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसे किसी मोल्ड के ऊपर रख के ही प्रिपेयर करना था। तो बस आप ऐसी गलती मत करना, आप इसे किसी ऐसी चीज़ पर रखना जिससे ये आसानी से निकल जाए। तो बस अब बारी आती है इसके ऊपर भी कोटिंग करने की, क्योंकि हमने इसमें एक्रेलिक कटआउट्स लगाए हैं तो उसको भी थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए और थोड़ा फिनिशिंग लुक, ग्लॉसी लुक दिखाने के लिए हमें उसके ऊपर भी रेजिन का एक कोट करना पड़ेगा। तो बस आप इसके ऊपर रेजिन का क्लियर कोट कर दीजिए, एंड इसको बस ड्राई होने के लिए आपको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है, और बस आपका ये वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो जाएगा। और इतने महंगे वॉल हैंगिंग्स आप घर पे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही सब कुछ खरीदो, आप इजीली इतने सुंदर हैंगिंग्स बना सकते हो। तो ये शुभ लाभ वाली हैंगिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और दोनों में से कौन सा वाला DIY आपको ज़्यादा प्यारा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी DIY के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑफ कोर्स यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।